बॉलीवुड या तो कॉपी पेस्ट करेगा या फिर वो किसी इंसान की बायोपिक बनाकर उसका सत्यानाश करेगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा साइना मूवी ट्रेलर के बारे में। ये मूवी बायोग्राफी है साइना नेहवाल की, जो एक बैडमिंटन प्लेयर है। इसमें परिणीति चोपड़ा जो है वो साइना नेहवाल का रोल प्ले कर रही है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है अमोले गुप्ते ने, शायद मैंने उनका नाम सही से लिया हो। ये 26 मार्च को रिलीज होने वाली है थिएटर्स के अंदर, और एक बार कह सकता हूँ कि यार थिएटर्स फिर से हाथ जोड़ने वाले हैं बॉलीवुड के सामने। भाई साहब हमें माफ कर दो, ऐसी वाहियात मूवीज हमारे थिएटर में मत लगा, क्योंकि यार बंद हो जाएंगे। कोरोना ने एक बार कर दिया, अब बॉलीवुड की बारी आई कि हम परमानेंट ही कर देते हैं। बस देखो यार, कुछ एक चीजें थी अच्छी बताने की कि हाँ ये 26 तारीख को रिलीज होने वाली है, किसने इसको डायरेक्ट किया, कौन इसके अंदर मेन मूवी का के अंदर, बस यही कुछ अच्छी बातें थी। अब बात करूं इस मूवी के ट्रेलर के बारे में, इतना घटिया, इतना डिस्गस्टिंग ट्रेलर है ये। सॉरी, मेरे पास कोई 72 शब्द नहीं मिला इस ट्रेलर को डिस्क्राइब करने के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रियल साइना नेहवाल, मैं बात कर रहा हूं इसमें फेक साइना नेहवाल की, जिसको प्ले कर रही है परिणीति चोपड़ा। 2 मिनट 50 सेकंड इस ट्रेलर को झेलना मुश्किल हो गया। सोच रहा हूं यार 26 तारीख को रिलीज होगी, इसको देखा कैसे जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉलीवुड के पास अपना खुद का कुछ तो ओरिजिनल बचा है नहीं, इनके पास दिमाग की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, कुछ अच्छा सोचने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। ये क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट मारेंगे, या तो कोई हॉलीवुड चख लेंगे या फिर वो साउथ का कंटेंट चख लेंगे और उसको इतनी घटिया, इतने प्रोपेगेंडा वे से हमारे सामने रिप्रेजेंट करेंगे, उसका गुड़ गोबर करके हमारे सामने दिखाएंगे वो, या फिर वो बायोपिक बनाएंगे। और बायोपिक बनाएंगे नहीं, जिसने मेहनत की है, जिस इंसान ने मेहनत की, अपना नाम कमाया, लोगों के सामने एक मोटिवेशन के तौर पर वो निकल के सामने आया, उसका सत्यानाश करते हैं बायोपिक बनाकर। मोटिवेशन तो दूर की बात है, डीमोटिवेट और कर देते हैं ये लोग। और एक बात बताता हूं, जो ट्रेलर होता है उसमें ये लोग अच्छे से अच्छे सीन, अच्छे से अच्छे क्लिप डालकर आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि वो अच्छा ट्रेलर बने, ग्रैब कर सके ऑडियंस को और थिएटर्स में ले जा सके। और जब इनके पास कुछ अच्छा नहीं होता तो ये क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं बहुत धमाकेदार, और छोटी 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 क्लिप छांट कर उस पूरी मूवी के अंदर से छोटी छोटी क्लिप छांट कर एक ट्रेलर बना देते हैं। कभी वो गिर रहे हैं, कभी एकदम से कुछ अलग कर रहे हैं, अचानक से कुछ और चीजें करने लग जाते, जैसे ऐसे लगता है कि बहुत बढ़िया ट्रेलर उन्होंने बना दिया, लेकिन एक्चुअल में वो बकवास होता है। और ये सेम टू सेम चीज जो है वो इस ट्रेलर के साथ है। देखो, बॉलीवुड कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखेगा, ये तो अपनी सोच अलग ही लेके चलता है। इसको लगता है कि हाँ किसी की बायोग्राफी हम बना रहे हैं, बायोपिक जरूर बना रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मसालेदार चीजें डालनी चाहिए। इन्होंने डाले अपने घटिया घटिया डायलॉग। अबे ये कौन सा डायलॉग है, चीन की दीवार को गिरा देंगे, मैं उसको फोड़ दूंगी, कौन सा रेलेवेंट है इस चीज में, क्या वो कर रहे हो, कौन सा गेम है, फोड़ दूंगी तोड़ दूंगी चाइना की दीवार को गिर, कोई तुक बनता है उस चीज का। एक बार जाकर इस ट्रेलर के कमेंट बॉक्स चेक करना, वहां पर लोगों ने जिस तरीके की राय तुम लोगों को दी है ना, चेक करना उसको, पता चलेगा रियलिटी क्या है। और सबसे ज्यादा खराब जो मुझे लगा, वो जो तुमने वो मॉल दिखाया यहां पर, वो क्या है, रियलिटी में देखा है तुमने, कंपेयर कर लो यार, एक रियल है और एक फेक है, दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क दिखाया, कितना बड़ा वो मॉल दिखा रहे हो यार, एक्चुअल में वो है भी नहीं इतना बड़ा। 1% भी इस ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसा नहीं था कि जिसको देखकर लगे कि हाँ ये मूवी देखने को जानी चाहिए। भाई साहब, वो परिणीति चोपड़ा के एक्सप्रेशन और क्या गेम दिखा रहे हो यार, वहां क्या था, कुछ खेलने को था कि हाँ देखिए कि इतनी हार्ड वर्क किया इन्होंने और यहां पर बहुत अच्छे से खेल रहे, कुछ भी खेलने का कोई एक सिंगल शॉट तक नहीं है यार खेलने का। वो ऐसे बैडमिंटन से वो जो चिड़ी है वो ऐसे चकते हुए, उसको शटल जो है उसको चकते हुए दिखाया गया, बस एक सिंपल सा, वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम उसमें देखने को मिले मोटिवेशन, हमें देखने को मिले 1% एक चीज नहीं है। इतनी घटिया ट्रेलर मैंने देखा है ये, और उससे भी घटिया इसके अंदर डायलॉग तुमने डाल रखे हैं, इतना बकवास कैसे सोच लेते हो तुम लोग। तो भाई साहब, मेरी तरफ से इस ट्रेलर को अगर कोई नंबर देने की बात करें तो मैं 0 भी ना दूं, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, इससे ज्यादा तो इसके ऊपर बात भी नहीं कर सकता, और डर लग रहा है यार 26 तारीख को जाके इसको झेलना पड़ेगा। तो बस बहुत हुआ आज के लिए, बस आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।